Assalamualaikum. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स को अनइंस्टॉल किया जाता है, डीइंस्टॉलेशन यानी कि डिलीशन की जाती है। तो चलिए आइए देखते हैं कि ओरेकल फॉर्म एंड रिपोर्ट को किस तरह डीइंस्टॉल किया जाता है। सबसे पहले हम ओरेकल के होम डायरेक्टरी में आ जाएंगे। द ओरेकल मिडलवेयर के नाम से मेरे पास फोल्डर है, फिर मैं ओरेकल में होम में अंदर जाऊँगा। यहाँ पर मैं OUI का फोल्डर सर्च करूँगा। आपकी ये डायरेक्टरीज डिफरेंट नाम से हो सकती हैं। अब OUI के अंदर मैं आके बिन नाम का फोल्डर में जाऊंगा। बिन के अंदर मैं deinstall.cmd के जाऊँ को रन एस एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर खोलेंगे यहाँ पे, ये लॉन्चर को अपने यहाँ पे लॉन्च करेगा लॉक की फाइल की मदद से, जिसके GUI आपकी यहाँ पे स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे डिसइंस्टॉलेशन के इसने अनइंस्टॉलेशन के इसने पॉपअप विंडो जनरेट कर दिया। अब हमने यहाँ से ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स को सिलेक्ट कर लिया। नीचे उसके सारी जो भी उसके सब फाइल्स हैं वो सब दिखा रहा है कि क्या क्या इंस्टॉल हो गए इसके अंदर आपके कंप्यूटर से। सिंपली फिर हम अनइंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपके CPU की कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के बाद लॉक फाइल के साथ एक यू कह लें GUI लॉन्च करेगा। यहाँ पे देखें और एक फॉर्म एंड रिपोर्ट डीइंस्टॉलेशन डीइंस्टॉलर आपके खुल रहा है। अब यहाँ पे आपके इंस्टॉलेशन समरी डी इंस्टॉलेशन समरी है। सिंपली हम इसको कुछ नहीं करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर डी इंस्टॉलेशन समरी आएगी, क्या क्या चीज़ें डी इंस्टॉल होंगी। हम यहाँ पर भी कुछ नहीं करेंगे, डी इंस्टॉल के बटन पर खाली क्लिक कर देंगे। यहाँ पर डी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चल रहा है।